क्योंकि मामला ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये एक सबसे बड़ी गैदरिंग होती है पाकिस्तान में और ये 3 डेज तक चलती है। तो ये सब हवाले से क्योंकि इसकी बड़ी इंटरनेशनल एक इम्प्लीकेशन होती है यूपी सिक्योरिटी के हवाले से और हमारी जिम्मेदारी होती है कि इंतहाई सिक्योरिटी इनकी की जाए। इसमें हमने सिर्फ ये नहीं कि अपनी पूरा की पुलिस में ड्यूटी है, इसके अलावा हमने अपनी रेंज के नफाना से मेजर इशू है सिक्योरिटी के बाद ये है कि इनका ट्रैफिक फ्लो है वो मेनटेन रहे फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटर होते हैं और यहाँ पे आके मरियम आबाद के इस एरिया में और फिर यहाँ से उनकी वापसी मिली इंशाल्लाह ताला अभी तक आज हमारे पिछले दिन मुकम्मल होने लगा है, शाम हो गई है। तो इस हवाले से एस एच भी अभी तक ट्रैफिक फ्लो भी आई है ना ही सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पे जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि हमने कितने अपने पुलिस ऑफिशल्स रिक्रूट किए हैं, तो एक इसमें डायरेक्ट डी पी साहब तो हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन में एक स्टूडेंट ऑफ पुलिस हैं जो मैं हूँ और 6 गजरेट ऑफिसर्स हैं, डी एस पीज हैं। और अगर हम सब इंस्पेक्टर्स को लेडी कॉन्स्टेबल्स को कॉन्स्टेबल्स को इन तमाम को हम इकट्ठा करें मिलाएं तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें इनर कॉर्डन की ड्यूटीज़ हैं, आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ हैं, रूफ टॉप की ड्यूटीज़ हैं, ट्रैकिंग की ड्यूटीज़ हैं और इनको हमने 3 शिफ्टों में डिवाइड किया हुआ है। हर शिफ्ट में गजरेट ऑफिसर्स हैं और बाकी तमाम यानी कि मल्टी डिवाइडेड बाई 3 जिस तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दिन के शिफ्ट में ज़रा चूँकि ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, मतलब मद्देनजर रखना है और एहतियात की है कि उसमें ज़्यादा हम अपने पुलिस एम्प्लॉइज़ करें। गर्मी भी होती है यकीन तो उस हवाले से अगर वो रोटेशन में चले तो बेहतर। इसमें हमने एलीट की जो गाड़ियाँ हैं उसमें पेट्रोलिंग भी की है, यहाँ पे हमने इससे पहले सर्च ऑपरेशन किए हैं और जब हम यहाँ के वो टारगेट अफेंडर्स जो इस एरिया में डकैती में बाकी क्राइम में मुलविस रहे हैं तो उनको जब हम हंट करते हैं तो उससे एक मैसेज चला जाता है कि पुलिस वेरी सीरियस और कोशिश की है कि इंशाल्लाह नहीं होगी। हमने वो जो प्रीवियस क्रिमिनल्स हैं जो इस एरिया में एक्टिव रहे हैं एक उनके खिलाफ हमने किया है, सर्च ऑपरेशन हमने किए हैं और सर्च ऑपरेशन के अलावा जो हमने पेट्रोलिंग है उसको ज़्यादा हमने एनहांस किया है। ऐसे जब भी इस वक्त हमारे लिए कोई नहीं है, हमारा जो बेसिक वो है कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी को देखें कि कोई एक्सपीरियंस ना आ जाए, कुछ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए और ट्रैफिक का फ्लो बेहतर रहे, क्योंकि बेसिक जो बदमाशी होती है वो ट्रैफिक के फ्लो में की करप्शन से होती है। मेटल डिटेक्टर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन उसमें मेरे सामने वो ज़्यादा है तो उसमें जो बॉडी सर्च है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और बेसिकली जो बॉडी सर्च है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते मेटल डिटेक्टर के साथ। तो यहाँ पे हमने जो बंदे अपने ट्रेन हुए हैं इसके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग हैं ताकि वो उस किस्म के क्योंकि जब प्लीस इनको वो डील करना शुरू कर दिए तो उसे बदतमीजी हो सकती है, तो हमने अपने साथ इनके क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किए हुए तो वो साथ में बॉडी सर्चिंग भी कर देते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा कोई शिकायत नहीं है।